गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं आपका दोस्त आपका मेंटर रामजी शर्मा आईटीआई टेक्निकल मास्टर पे आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज एक और टॉपिक फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, मैंने इसके पूर्व में फोर स्ट्रोक डीजल इंजन की चर्चा की थी, अब मैं इस टॉपिक में फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कैसे कार्य करता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल समझाने की कोशिश करूंगा। दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल लगभग सेम है, सेम तरीके से कार्य करता है, सिर्फ फ्यूल में डिफरेंस होने के कारण, फ्यूल सप्लाई में अंतर होने के कारण मैं इस टॉपिक को अलग से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि आप दोनों टॉपिक को आपस में मिक्स न करें और आपको एक बेहतर समझ डेवलप हो। तो आइए मैं फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की चर्चा करता हूं। इसके पूर्व आप स्ट्रोक के बारे में समझ गए हैं। स्ट्रोक है पिस्टन का मूवमेंट टीडीसी टू बीडीसी, जिसे हम एक स्ट्रोक के नाम से जानते हैं, पुनः बीडीसी टू टीडीसी दूसरा स्ट्रोक, पुनः टीडीसी टू बीडीसी तीसरा स्ट्रोक और पुनः बीडीसी टू टीडीसी चौथा स्ट्रोक। सेम उसी तरह से होता है जो कि मैंने पूर्व में बताया था। इसमें भी पिस्टन उसी क्रम में उसी प्रकार अपना साइकिल पूरा करता है जिस प्रकार फोर स्ट्रोक डीजल इंजन अपना साइकिल पूरा करता है। अंतर सिर्फ यह होता है कि डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी चलता है, उस समय सिलेंडर के अंदर शुद्ध हवा प्रवेश कर रही होती थी, लेकिन पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान ही पेट्रोल को कार्बोरेटर से या अन्य माध्यम से इंजेक्टर से सिलेंडर के अंदर प्रवेश करवा दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। पेट्रोल में एक क्वालिटी है इवोपरेशन, उसका प्रॉपर्टीज है पेट्रोल का, जैसे ही हवा के संपर्क में आता है पेट्रोल वाष्पीकृत होकर इवोपरेट होकर हवा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, उसके कंटेंट्स हवा में मिल जाते हैं, गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात पेट्रोल को सक्शन स्ट्रोक में जैसे ही हम लोग डालेंगे वह हवा के साथ मिलने पे वाष्पीकृत हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी करेगी ट्रेवल सक्शन स्ट्रोक में टीडीसी टू बीडीसी। ठीक उसी प्रकार इनलेट वाल्व खुला रहेगा, इनलेट वाल्व को खोलना पड़ेगा और एग्जॉस्ट वाल्व को बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व को क्लोज कर दिए हम लोग और इनलेट वाल्व को पुनः ओपन करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। हवा के अंदर वायुमंडलीय हवा, सक्शन स्ट्रोक के अंदर वायुमंडलीय हवा एवं पेट्रोल का मिक्सचर इंजन के सिलेंडर में प्रवेश किया, पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी ट्रेवल की, सिलेंडर के अंदर वैक्यूम क्रिएट हुआ और वायुमंडलीय हवा एवं पेट्रोल का मिक्सचर जिसे चार्ज कहा जाता है, जब हवा के साथ पेट्रोल को मिला दिया जाता है उस कंडीशन को हम लोग चार्ज कहते हैं और चार्ज सिलेंडर में प्रवेश कर जाता है। आप समझ गए होंगे सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है। मुख्य बिंदु सक्शन स्ट्रोक का यह है कि हवा एवं पेट्रोल का मिक्सचर इनलेट वाल्व से होते हुए सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है और पिस्टन का ट्रेवलिंग टीडीसी टू बीडीसी होता है। अब मैं कंप्रेशन स्ट्रोक की चर्चा करता हूं। कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी टू टीडीसी ट्रेवल करता है। आपको मैंने सक्शन स्ट्रोक में पहले ही बताया सिलेंडर के अंदर हवा एवं पेट्रोल का मिक्सचर प्रवेश करता है जिसे चार्ज कहते हैं। अब उस चार्ज को कंप्रेशन स्ट्रोक में कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है। जब चार्ज को कंप्रेस किया जाता है तो इसके अंदर भी प्रेशर एवं टेम्परेचर शूट करता है, बढ़ जाता है, लेकिन कंप्रेशन रेशियो कम होने के कारण प्रेशर और टेम्परेचर कम रह जाता है और पेट्रोल स्वतः नहीं जल पाता है, जिसके कारण स्पार्क प्लग के द्वारा स्पार्क दिया जाता है और स्पार्क देने से सिलेंडर के अंदर आग लगती है, ब्लास्ट होता है और पावर तैयार होता है जो
चार सिलेंडर में रहते हैं वो एक साथ ब्लास्ट करते हैं, जलते हैं, जिससे पिस्टन पर दबाव पड़ता है, कंप्रेशन दबाव पड़ता है, जिसे मीन इफेक्टिव प्रेशर या पावर कहते हैं। अब मैं पावर स्ट्रोक की चर्चा करूंगा। पावर स्ट्रोक में क्या होता है? पावर स्ट्रोक में बहुत वाल्व क्लोज रहेंगे, सटे हुए रहेंगे, सिलेंडर के अंदर आग लग चुकी है और गैस के जलने के कारण सिलेंडर के अंदर प्रेशर बढ़ गया है और उस प्रेशर से पिस्टन को एक धक्का लगा है, एक पावर मिला है जो कि कनेक्टिंग रॉड से होते हुए क्रैंकशाफ्ट एवं फ्लाई व्हील तक ट्रांसफर कर दिया गया है। इस प्रकार पावर स्ट्रोक पूरा हुआ। अब मैं अगला स्ट्रोक एग्जॉस्ट स्ट्रोक की चर्चा करता हूं। जैसा कि पावर स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी ट्रेवल किया, अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर बेकार जली हुई गैस है, उसे पुनः पिस्टन बीडीसी से टीडीसी ट्रेवल करता है, एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाते हैं, एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाते हैं, इनलेट वाल्व क्या होगा, इनलेट वाल्व क्लोज हो जाएगा और एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएंगे, एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएंगे और जली हुई गैस एग्जॉस्ट वाल्व से होते हुए एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड एवं साइलेंसर के द्वारा वायुमंडल में बाहर निकल जाता है। गाड़ी के केस में टेल पाइप से होते हुए निकल जाता है, आप देखे भी होंगे। इस प्रकार फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, जिसे एसआई इंजन के अंतर्गत आता है, या गैसोलीन इंजन, इस प्रकार से कार्य करता है। बाइक्स वगैरह में देखे होंगे फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन आजकल प्रयोग ज्यादा होता है, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट के दो चक्कर में एक बार पावर स्ट्रोक मिलता है तो फ्यूल की खपत कम हो जाती है, अर्थात माइलेज अधिक मिलता है। अब आप समझ गए होंगे पेट्रोल इंजन, फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कैसे कार्य करता है। अब हम लोग अगले टॉपिक में, जो कि टू स्ट्रोक का होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे, टू स्ट्रोक इंजन कैसे कार्य करता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको एवं आपके दोस्तों को इससे लाभ पहुंच सके। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।